नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित्रोज घटनाक्रम हो रहे हैं और राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है, इसमें फिलहाल तमाम राजनीतिक दल उलझे हुए हैं और जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि नामांकन आज से शुरू हो गए हैं पहले चरण के, तो कुछ पार्टियों की तरफ से नामांकन की तैयारियों से इतर अपने कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करने में ज़्यादा समय दिया जा रहा है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सामने आते हैं और अपनी लिस्ट फाइनल करके चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन उससे पहले राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज एक बड़ा सा कार्यक्रम किया गया, हालांकि कई सवाल ये भी उठाए गए कि इतनी भीड़ किस तरीके से आपने जुटा ली जब चुनाव आयोग की तरफ से भीड़ जुटाने पर पाबंदी है, ये भी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक किस्म से देखा जाए तो इस स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल कराने के इस कार्यक्रम के जरिए एक ताकत दिखाने की कोशिश भी हुई। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत में आगे आने वाले दिन किस तरीके से और बदलने वाले हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजय कपासिया जुड़ेंगे, आलोक कुमार जुड़ेंगे, अभिमन्यु त्यागी और दीपक बघेल तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा हम करेंगे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो ये तस्वीरें आज का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आज वर्चुअल रैली के जरिए शामिल हो गए। वर्चुअल रैली हालांकि कहा जरूर गया लेकिन लोग उसी तरीके से जुटे रहे। यूपी में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, यही नारा यहां से दिया जाता रहा और मंच से इसी नारे को देने की कोशिश भी होती रही। आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल रैली की तस्वीर है या सामान्य एक रैली की तस्वीर है, उसी तरीके से जैसे लोग जुटते रहे हैं पहले भी अक्सर रैलियों में। तो हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। संजीव, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, आज की इस चर्चा को और पूरे विषय को आप समझाएं और फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएं। संजीव। धन्यवाद अरुण। देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में नामांकन की शुरुआत हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम की बात करें तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 6 विधायक और उनके साथ एक मंत्री धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि ये औपचारिक ज्वाइनिंग थी, इससे पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तभी ये बात साफ हो गई थी कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। लेकिन इस दौरान आज स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर काफी तीखे नजर आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी को हिंद महासागर में फेंक दूंगा। ये तमाम चीजें थी पिछड़ों की उपेक्षा के आरोप लगाए। सबसे पहला सवाल हम आलोक कुमार से ले लेते हैं। आलोक, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग आपके दल में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इससे आपके दल को मजबूती मिलेगी? इसके साथ साथ एडजस्टमेंट में कितनी दिक्कतें आएंगी? ये दोनों सवाल हैं। धन्यवाद संजीव जी। मैं पहले आपकी बात की क्वेश्चन का पहले मैं आंसर दे देता हूं। देखिए, जितना भी हमारा कार्यकर्ता समाजवादी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो चाहे राजनेता हो, उसकी बस एक महत्वाकांक्षा है कि किसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी 10 मार्च को शपथ ले लें। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी में राजनेता आ रहे हैं उन आने के लेकर जो छाटा होता है, जो हम कहें कि सोच होती है, वो समाजवादी सोच है। और ऐसे वो लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल उन्हें काम नहीं करने दिया गया, उन्हें उनके समाज के हक से वंचित रखा गया, उन्हें पीड़ित रखा गया, उन्हें अपमानित किया गया। तो ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा से साम्यता रखते हैं तो उनका स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर खड़ी है। और ये तो अभी शुरुआत है संजीव जी, लगभग 100 से ऊपर विधायक आने को तैयार है लेकिन किसी शर्त के साथ नहीं, समाजवादी साम्यता को रखते हुए उनका स्वागत किया जाए। आलोक जी, एक सवाल मेरा ये है जो अभी संजीव जी पूछना चाह रहे थे। संजीव जी, आप अभी जो जानना चाह रहे थे कि क्योंकि एक निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की केमिस्ट्री तो सही बना ली है लेकिन इसका मैथमेटिक्स कैसे बना पाएंगे और किस तरीके से टिकटों का जब बंटवारा होगा तो ये वो लोग जो नए आए हैं क्या वो पुराने कार्यकर्ताओं की जगह ले लेंगे और पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे मना करके रखा जाएगा, तो सवाल ये। और दूसरा ये भी, जैसा अभी आलोक कुमार आप कह रहे थे कि वो लोग जो 5 साल विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे और विपरीत विचारधारा के साथ काम करते रहे, प्रताड़ित होते रहे और उन्हें परेशान किया जाता रहा लेकिन वो 5 साल तक चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले, चुनाव आए तो उन्होंने
दूसरी नैया की तरफ देखा और वहां उस तरह वो हो लिए, क्या इसे मौका परस्ती नहीं कहेंगे? और मौका परस्त लोग जब आपके राज्य आपके दल में आएंगे तो वो मौका ही देखेंगे, उन्हें और किसी से कुछ मतलब नहीं, क्या ये बात नहीं होगी? बिल्कुल अरुण जी, अभी आपने एक वर्ष पहले जिला पंचायत का चुनाव देखा था, प्रधानी का चुनाव देखा, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव देखा था, जिस चुनाव में पंचायत के चुनाव में पूरा मैंडेट समाजवादी पार्टी को जनता ने सौंप दिया था, और जब जनता ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बहुमत के आधार पर बनाने का प्रयास किया तो इसी सरकारी मशीनरी ने सदस्यों के घर तोड़ दिए। अरुण जी, संजीव जी, आपने देखा होगा मेंबरों को बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया, और बहुत सारे आज भी हमारे जिला पंचायत के मेंबर जेलों में फर्जी मुकदमे में वहां पर बंद है। तो ऐसे में सोचिएगा कि किसकी इतनी ताकत थी एक तानाशाही फांसीवादी सरकार के सामने खड़े होकर विरोध करने की। तो लोकतंत्र में विरोध करने के लिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है कि जब चुनाव आते हैं तब यही नौजवान, यही जनता, यही किसान अपने बैलेट से, अपने ईवीएम बटन से जवाब देता है, और जवाब देने का समय आ गया। वो तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो नेता अब देखिए वो ठीक आप कह रहे हैं कि ये किसकी इतनी ताकत थी कि वो ऐसी सरकार के सामने बोल सके, यानी कि एक और नेगेटिव पॉइंट आ गया, मौका परस्त तो है ही और वो डरते भी हैं, वो अपनी बात बोलने से भी डरते हैं, तो ऐसे नेता आएंगे तो फिर जनता के सामने क्या उदाहरण पेश करेंगे? आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, जैसे ही आए वैसे ही उनका गैर जमानती वारंट पीछे से आ गया, और राजभर जी देखिए बीच में ही राजभर ने विरोध किया और बाहर निकल के आ गए। आज जो अरुण जी मुख्य सवाल उत्तर प्रदेश का है वो बेरोजगारी का है, मुख्य सवाल उत्तर प्रदेश का है गांव के किसानों की समस्याओं का है, और आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश में भाई भाई के बीच में जो बदबू फैला दी है, हिंसा फैला दी है, मन मुटाव फैला दिया है, तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आज नौयुवक, किसान, व्यापारी सभी एकत्रित हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। संजीव जी, चलिए लगता है संजीव जी से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है, जैसे ही संपर्क होगा फिर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आलोक कुमार, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था अभी, जिसका ठीक है ये बात जरूर निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कहेंगे, जिसे टिकट देंगे, सभी कार्यकर्ता उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा अक्सर हमने देखा है कि जब बाहर से आए हुए नेता टिकट लेते हैं, ज्यादा सीटों पर उनको टिकट मिलता है, तो जो आपके पुराने कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं खफा हो जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां कहीं भी टिकट को लेकर बात कर रहे हैं तो वहां की पहले कार्यकारिणी को बुलाकर उनसे विधिवत बात कर रहे हैं, उनकी सोच को समझ रहे हैं, और उनकी सोच को समझने के बाद ही ये बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर बैठे हुए ही सिर्फ फैसला ले रहे हैं, ये सब कुछ उनका प्रॉपर चैनल के तरीके से काम किया जा रहा है, जनपद की कार्यकारिणी से विचार विमर्श किया जा रहा है। और अरुण जी, सबसे बड़ी ये बात है कि जिला पंचायत के चुनाव में इतना प्रताड़ित किया गया, इतना ज्यादा हिंसा की गई कि आज हमारा कार्यकर्ता ये तैयार बैठा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे उसे सर माथे रखकर हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीपक जी, आपका भी स्वागत है, और संजीव जी मुझे लगता है कि आप तक भी आवाज मेरी पहुंच पा रही है शायद, तो चर्चा में एक बार फिर से आप जुड़ी रहे हैं। दीपक जी, जो मौजूदा परिस्थितियां हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज की तस्वीर हमने देखी, अच्छी खासी एक भीड़ भी जुटा ली गई, हालांकि लिखा गया था पीछे वर्चुअल रैली, लेकिन लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में थे, एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर हो ही गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से कोई परेशान करने वाली तस्वीर ये? सवाल आप दोहराएंगे? बिल्कुल दीपक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आज स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी भी, जो कि अब औपचारिक रूप से जो शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या ये चिंतित करने वाली तस्वीर नहीं है बीजेपी के लिए? चिंता करने वाली कोई भी तस्वीर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और यहाँ पर कार्यकर्ता लगभग पूरे 5 वर्ष से लगातार काम कर रहा है, जब से सरकार का गठन हुआ जब से लगातार हम काम कर रहे हैं, और उसी काम के दम पर हम आगे जनता के बीच में विश्वास और उनका मत लेने जा रहे हैं, और उनका आशीर्वाद उनका प्राप्त हो रहा है हमें। इस बात से हम तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है कौन जाता है, चुनाव का दौर है, चुनावों के समय पे लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो उसी की एक प्रक्रिया है जो अब गठित हो रही है। अब ये तो समाजवादी पार्टी को चिंतित होना चाहिए कि उनको दूसरी जगह से नेता लेकर आने पड़े,
उनके पास खुद का एक कोई कैडर नहीं जो उनका चुनाव लड़ सके या उनको जिता सके, तो उन्हें जगह जगह से अपने नेताओं को इकट्ठा करना पड़ रहा है। नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है सर, जैसे आप कह रहे हैं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की एक स्थिति ऐसी थी जब लहर कहा जा रहा था मोदी लहर, उस वक्त इतने नेता कांग्रेस पार्टी से निकले, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी ये कहा करती थी कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है और इसमें से कुछ लोग अगर निकल भी जाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत प्राचीन और बड़ा जहाज है। वही शब्द आज आपके हैं, इसी तरीके से आप आज आप बोल रहे हैं, और वो स्थिति जो उस वक्त बीजेपी की थी आज वो सपा कर रही, तो ये परिस्थितियां और ये क्या आप समझ नहीं रहे हैं इन चीजों को? अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और हमारा विचार एकदम स्पष्ट है, हम राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन और विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और यही हमारा मूल एजेंडा है और इसी के ऊपर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। नहीं, तो उसमें तो जो मंत्री आपकी सरकार में रहे 5 साल, वो सरकार में मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि सरकार ने ना पिछड़ों के लिए काम किया, ना गरीबों के लिए, ना दलितों के लिए, ना किसान के लिए, ना छोटे व्यापारी के लिए, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ना उनकी आवाज सुनते हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, ये बात कहकर के वो जा रहे हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं वो? अरुण जी देखिए, पूरे 5 साल तक सत्ता में रहे और सरकार के साथ में रहे, उसके बाद सरकार की ही उपलब्धियों को गिनाने के बाद में वो दूसरे दलों के साथ जा रहे हैं, इसमें आपको स्पष्ट है, सब जानते हैं, आपको भी जानकारी है, जनता को भी जानकारी है, वो क्या करने जा रहे हैं, उनको उनके मन बताते अगर सीट ना मिले या किसी प्रकार के उनके मन का ना हो तो ऐसे तो नहीं चलता। लोकतंत्र एक भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर पार्लियामेंट। अच्छा ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है दीपक जी, क्योंकि आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और बड़े सुलझे हुए तरीके से अपनी बात में, एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ संजीव, बहुत मैं सिर्फ एक विश्लेषक के तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक विश्लेषक के तौर पर आप भी तो देख रहे होंगे ना कि जब कुछ लोग जा रहे होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मौजूदा पार्टी का या सरकार का मनोबल तो, पार्टी का मनोबल तो कुछ कम होता है कि भाई लोग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। इससे पहले हमारे पास 14 दिन आ चुके हैं लगभग, आप देखिए 4 MLC पहले आए, तो ये सब लोग तो पहले आ चुके, ये तो अब तोड़ रहे हैं, आप कुछ लोगों को बाहर लेके जा रहे हैं, उससे पहले तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, संजीव पिछड़े लोगों के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं अरुण जी एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, जी बताएं, एक बात बताता हूँ, मैं खुद एक पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं एक सामान्य छात्र से लेकर आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूँ, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को आगे बढ़ाती है और ये लोग जो कह रहे हैं उसमें अंतर है। आज मुझे जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला तो वो कहीं पिछड़े जातियों में नहीं मिलता है, किसी पार्टी में होता तो इस दायरे तक आने में मुझे लंबे वक्त लग जाता या कोई और होता तो उसे भी एक बहुत लंबा वक्त लगता, तो ये सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। ठीक है, और इनकी दुकानें नहीं चलने वाली। संजीव जी, दीपक बघेल जी, दीपक जी हमारे साथ, दीपक जी हाँ ठीक है, दीपक बघेल जी एक सवाल हमारा है, आपके मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बात करते हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव के मंच पर जब स्वयं प्रसाद मौर्य थे तो उन्होंने 85 बनाम 15 मंडल बनाम कमंडल का नारा दिया, तो क्या आपको लगता है कि आपके 80 बनाम 20 पर 85 बनाम 15 भारी पड़ेगा? संजीव जी, किसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और हम विचारों के साथ में गरीब किसान कल्याण के योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ने लगातार हमें आशीर्वाद दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी या किसी भी अन्य दलों को देखकर तो इनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है और ये आज से नहीं 2014 से जाति की राजनीति को, क्षेत्र की राजनीति को, धर्म की राजनीति को नकारते आए हैं और ये एक सेटअप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य को और भारत को एक सूत्र में बांधना चाहती है, राष्ट्रवाद के नारे के साथ में बांधना चाहती है, वो जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर तोड़ना नहीं चाहते और ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश को जाति धर्म भाषा के क्षेत्र पर तोड़ते हुए आए हैं। आप पूर्व की राजनीति भी देखिए, जिस प्रकार से गठबंधन हुए पूर्व में राजनीतियों में, तो गठबंधनों की कितनी मजबूरियां रही हैं और उन्होंने उसके कारण प्रदेश को कितना पिछड़ापन झेलने को मिला है, आज वो सारी चीजें नहीं रही और उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में आज देखिए कितना विकास हुआ है, आज पूरे कुशीनगर का एयरपोर्ट से लेकर चाहे हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो वो भी पहले की तुलना में ज्यादा है, चाहे किसानों को हमने कर्ज माफी दिया या हमने किसानों को, लेकिन चुनावों में हिंदुत्व के मुद्दे के आगे विकास कहीं पीछे छूट जाता है दीपक जी। जी नहीं, हम सब देखिए संजीव जी, आप पूरा चुनाव आपने भी पूरा कवर किया है, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान, जब हम गन्ना की बात कर रहे तो गन्ना कौन लेकर आए, ये लेकर आए, अगर फिर हमने अगर हिंदू की बात पहले से चल रही थी, लगातार विकास की बात चल रही थी, हम हमने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे तो हिंदू और हिंदू में भेद कौन करने लेकर आया, वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई, सनराइज पर अयोध्या किसने लगी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, एसोसिएशन साहब कहते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करो, तो ये धर्म का एंगल तो अन्य विपक्षी पार्टियां लेकर आएंगी, इनको धर्म की राजनीति करनी,
जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं है। आप दूसरे धर्म की जाके बात करोगे तो फिर वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है और ये उसी प्रकार की नई राजनीति खड़ा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी मिशन विजन एकदम क्लियर है और भारतीय जनता पार्टी उसी विजन और मिशन के साथ में अपना काम कर रही है। अभिमन्यु भी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपके साथी दीपक बघेल कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है धर्म के आधार पर राजनीति करेगी, ये कांग्रेस ने शुरू की और कांग्रेस को इसके अंजाम भी भुगतने पड़े। देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ा जो नरसंहार हुआ उसके नाम पर भाजपा केंद्र सरकार में आई है। इसी तरह जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, इसी तरह के तमाम जो 600 से 700 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, उस ध्रुवीकरण का लाभ लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सत्ता में आई है। आज देखिए, तमाम जो दबे कुचले वंचित लोगों की जो पीड़ा की बात जो हमेशा कांग्रेस पार्टी उठा रही थी पिछले 5 साल से लगातार, तो क्या आप अभिमन्यु जी क्या आप मनमोहन सिंह के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अभिमन्यु जी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते आप क्या? देखिए, एक सोच देश में यह हावी होती जा रही थी कि जो अल्पसंख्यकों को दबा, चूंकि मनमोहन सिंह भी खुद उस अल्पसंख्यक समाज से आते हैं जो एक वीर समाज भी है, सिख समाज भी है, जिनके ऊपर बहुत अन्याय भी हुए बावजूद उसे हमेशा उठ खड़े हुए, तो इन्होंने कहा कि वो सबका अधिकार इस देश के साथ है। मैं अपनी बात को फिर से यही उत्तर प्रदेश में लाना चाहता हूँ। जो लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है वंचितों को, गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, अब जो यही बातें हैं आपकी जो कांग्रेस को पीछे लेकर गई हैं। केंद्र में सरकार आपकी थी और अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा था, आखिर कौन लोग थे वो जो दबा रहे थे? आपकी सरकार अक्षम थी, इसका मतलब दबाया कोई नहीं, दबाते कैसे? लेकिन एक सोच, एक विचार जो गांधी की हत्या करती है, एक विचार वो लगातार हावी है, वो लगातार चाहती है कि देश में बंटवारा हो, वो लगातार चाहती है कि मन में नफरत भरे, वो लगातार नैरेटिव बनाती है, किसानों के खिलाफ नैरेटिव बना रही थी, उन्हें देशद्रोही कह रही थी, उन्हें खालिस्तानी तक कह रही थी, और ये जो कोई सवाल करता है उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, उन्हें विदेशी कहते हैं। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते आए हैं, अब भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो यही नैरेटिव यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है वो मुद्दा यही है, वो मुद्दा है कि वो क्यों दबा रहे हैं। आज जो नेता इनके पास से भाग रहे हैं वो भी उन बातों को उठा रहे हैं जो लगातार कांग्रेस 5 साल से उठा रही थी। आप देखिए, चाहे दबाने की बात हो, चाहे वंचितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे गंगा में लाशें बहने की बात हो, चाहे गंगा किसानों को बकाया न मिलने की बात हो, हमेशा कांग्रेस 10 मार्च बताएगी, 10 मार्च बताएगी कि आपने कितना काम किया है, 10 मार्च बताएगी कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कितने खड़े रहे। लेकिन आलोक ये बताइए कि आज जब सपा कार्यालय पर दबे कुचले लोगों के साथ जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, क्या वो उस घटना के जो उन्नाव में पीड़ित लोग है, क्या सोनभद्र का वो पीड़ित समाज है जो आदिवासी समाज है गोलियों से भून दिया जाता है जमीन कब्जाने के लिए, क्या हाथरस में जो घटना घटी दलित समाज की बेटी के साथ, क्या लखीमपुर खीरी की घटना हो, क्या किसानों को नरसंहार हुआ गाड़ी चला दी गई, तो ये घटनाएं एक तरफ कांग्रेस ऐसे लोगों को, पीड़ित लोगों को खड़ा कर रही है कि उन्हें टिकट दे रही है, तो दूसरी तरफ ये लोग गुंडे बाहुबल और पैसों के उस पर ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सत्ता का ये लोग सत्ता की ताकत दिखाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा इन्होंने हमेशा प्रताड़ित किया, मेरे पास था लोग देख रहे हैं, तो आप देखिए कमजोर। ठीक है अभिमन्यु आपके पास लौटेंगे। अरे आपकी बात आ गई, आलोक सवाल ये है कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जब ये आपका ज्वाइनिंग हो रही थी, आप देखिए कि कम से कम 2-3 हजार कार्यकर्ता मौजूद थे। जब चुनाव आयोग ने नुक्कड़ सभाओं तक पर बैन लगा दिया गया है, कोरोना का काल है, लोगों की जान की कीमत क्या राजनीति से हल्की है? लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे, लोगों के पास मास्क नहीं था, आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रही है?
बहुत अच्छा प्रश्न संजीव जी। और संजीव जी मुझे लगता है कि जब ये मिलन हो रहा था तो निश्चित रूप से आप वहां आसपास कहीं हो। संजीव जी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जनपद और 75 जनपद से अगर एक एक कार्यकर्ता की गाड़ी भी आती है तो 75 गाड़ी हो गई और 75 में अगर 5 का आप गुणा कर दे तो ये संख्या हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिएगा, समाजवादी पार्टी ने किसी भी फ्रंट से किसी भी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का ना तो आह्वान किया है और ना ही बुलाया है। यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं मास्क लगाकर बीच में कह रहे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिएगा। अब ये चूंकि जो लोग आ जाते हैं ऐसे लोग जो बहुत सक्रिय, एक जिले से 5 लोग अपने आप को आ रहे हैं तो ऐसे स्पेस कम होने से ये दिक्कतें निश्चित रूप से होती हैं और इनमें सुधार किया जाएगा। नहीं लेकिन आलोक जी यही कार्यक्रम तो यदि भारतीय जनता अभी जो संजीव ने सवाल किया वो तस्वीर हम लोग देख रहे थे, मंच की व्यवस्था और मंच के सामने की व्यवस्था वो ठीक उसी प्रकार थी कि कम से कम इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे। नहीं देखिए आपको मैं बताऊं कि एक होता है सम्मान, आप परिवार में जाएंगे आपके लिए कुर्सी नहीं दी जाएगी और कुर्सी मेरे पास है तब हाँ। तो ये एक अपमान हो गया परिवार में गए हुए व्यक्ति को। और अरुण बताऊं कि कल बात कुर्सी की नहीं है आलोक, आलोक यही कार्यक्रम यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया होता तो आप कोरोना प्रोटोकॉल का रोना रो रहे होते इसी चैनल पर बैठ के। संजीव जी सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया होता तो 100 कुर्सी नहीं भरती, 100 कुर्सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी अगर जबरदस्ती लाते कोई किसी को तो आते। और आप राजनीतिक संपादक है, आप वहां की पृष्ठभूमि समझ रहे होंगे कि स्वतः स्फूर्ति, स्वयं लोग इतने आंदोलित, स्वयं लोग इतने स्फूर्ति आखिरकार क्यों आ गई है। तो ऐसे लोग जो स्वयं स्फूर्तिदायक है तो इनके लिए आगामी व्यवस्थाएं की जाएंगी, मास्क सैनिटाइजर का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। ठीक है दीपक जी से सवाल जवाब लेते हैं इसका। दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे संदर्भ में जो क्वेश्चन हमने आलोक जी से पूछा था? जी सवाल थोड़ा दोहरा दीजिए क्योंकि आवाज थोड़ी आ नहीं पाई। दीपक जी संजीव जी जानना चाह रहे थे कि यहाँ जो आज कार्यक्रम हुआ उसमें जिस तरीके से लोग शामिल हुए तो लगा कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखा गया। जिस प्रकार से वो तो आज सबके सामने विदित है, आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का ख्याल नहीं रखा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक कार्यक्रम किया था, एक दलित परिवार के यहाँ पर जाकर भोजन प्राप्त किया था, खिचड़ी खाई थी, तो उसमें भी हमने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा था और हमारा ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर होना था और पूरे प्रदेश भर के अंदर से हमने केवल 5 लोगों को ही केवल इस कार्यक्रम को करने की इजाजत दी। और जिस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से एक कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाते हैं समाजवादी पार्टी अभी से अपना वक्त दिखाने लगी, अपना दिखाने लगी है। अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई गाइडलाइंस तय की गई तो अभी से उनको तोड़ना शुरू हो गया, आगे आगे देखिए और क्या क्या करते हैं। आलोक प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी जी हमारे बीजेपी के साथी ये 2 में बहुत जल्दी से संजीव जी प्रतिक्रिया दे देता हूँ। एक तो ये संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, हाँ मैं वही बता दे रहा हूँ, एक तो ये संविधान में विश्वास नहीं करते, ये संविधान में नागपुर के विश्वास करते हैं। दीपक जी भी बता रहे थे कि पिछड़ी जाति से संबंधित है और हमारे योगी जी ने अभी दलित के खाना खाया। संजीव जी यही मुख्यमंत्री जी ने जब एक पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो जब वो अपने भवन को सरकारी आवास को खाली करते हैं तो उसे गंगा जल से धुलाकर उस संपूर्ण दलित और पिछड़ी जातियों को हतोत्साहित और उन्हें बदनाम करने की और उन्हें दिखाने की ओरिजिनल स्थिति क्या है ये दिखाने का प्रयास जो आज नाटक करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करके दलित के यहाँ खाना खाने पहुंच जाते हैं। और हमारे मित्र दीपक जी ये नहीं बता पा रहे 69,000 वैकेंसी वाले छात्र जो लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, क्या उनकी 12,500 सीटें बीजेपी ने नहीं खाई है? क्या संविधान उन्हें सीटें मिली है? 4 नीट का अभिमन्यु त्यागी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इसी पॉइंट पर। अभिमन्यु त्यागी इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी अपनी स्वयं जाति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठेका टेंडर से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग और जिले की कमान दे रहे हैं। उसी तरह से जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी उस दौरान भी इन लोगों पर आरोप रहा है कि स्वयं जाति को बढ़ाने का इन लोगों ने काम किया थाने से लेकर प्रशासन तक में। लेकिन कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को इसलिए भागीदारी दे रही है जिससे कि उनको घर से बाहर निकाला जा सके, जिससे बराबरी का अधिकार दिया जा सके, जिससे कि इन दोनों दलों की जातिवादी जो इनकी सोच है उनको पीछे किया जा सके। ये जातिवादी सोच में इतने डूबे रहे हैं कि इन्हें पूरा देश पूरा प्रदेश नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है कि रोजगार की आज जरूरत कितनी है।
आज आज भाईचारे की कितनी जरूरत है, लोग किस तरह से कोरोना काल में परेशान है दो तीन सालों। संजीव एक आखिरी एक मिनट हमारे पास है, मैं चाहता हूं कि आप इसे चर्चा को कंक्लूड भी करें। दीपक जी से सवाल लेना। दीपक जी आज के स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी दफ्तर में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का दुष्चक्र रचा है, और ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पार्टी फोरम पर उठाई थी। हालांकि वर्बली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात मान ली थी, लेकिन बाद में 69,000 और जो केंद्र में आईएएस की नियुक्ति हो रही है उसमें उन्होंने पिछड़ों की घनघोर उपेक्षा का आरोप आपकी सरकार पर लगाया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जाति से आता हो, जिसका प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति से आता हो, जिसका उपमुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति से हो, और जिसका प्रवक्ता भी अगर पिछड़ी जाति से, तो आप ये नहीं कह सकते। और भी उसी पार्टी ने पिछड़ा आयोग का गठन भी किया हो, पिछड़ों की उपेक्षा की। शर्म करिए दीपक जी, 69,000 में जो कंप्लीट किया क्या बात सवाल क्या है? ठीक है, समय आगे और इजाजत मैं आगे और इजाजत नहीं दे रहा है। मुझे लगता है दीपक जी समय आगे माफी चाहूंगा समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। मुझे चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन दीपक जी एक बात तो है कि कब तक पिछड़े रहेंगे? अब जब तमाम पिछड़े अगड़े हो जाएंगे उस दिन का इंतजार है, और कभी ये कहने की जरूरत ना पड़े कि हम भी पिछड़े, हमारे नेता भी पिछड़े। बहुत शुक्रिया आलोक कुमार, अभिमन्यु त्यागी, संजीव कपास, दीपक बघेल इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे कितने मोड़ लेगी और देखना होगा। नजर हम पूरी बनाकर के रखे हुए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।